मैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, आप सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की तीसरी लहर शुरू हो गई है और इससे बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना चाहिए, हाथ और मुंह प्रॉपर मास्क के साथ ढक के रखना चाहिए और हाथों की और मुंह की सफाई का खास ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये जानकर सबको खुशी होगी कि हमारे मुल्क ने 150 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन्स लगा ली हैं और अभी आज से जो भी हमारे बुजुर्ग यानी कि 60 साल से ऊपर के लोग और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए सरकार ने तीसरी डोज लेने का फैसला किया है। इससे मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने नज़दीकी सेंटर में जाएं और वहां पे कोविड की तीसरी डोज लगवा लें। इससे ये होगा कि अगर आपको किसी को कोविड होता भी है तो आपको सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं होंगे। इसके साथ साथ हमारे बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी थी, लेकिन 3 जनवरी से 15 साल से लेके और 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दिया गया है और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को नज़दीकी सेंटर में जाके वैक्सीन लगवाएं। कोविड से बचने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है और बचाव में ही भलाई है। धन्यवाद।